चलो बहराइच चलते हैं, चलो बहराइच चलते हैं, गाजी का मेला गया। चलो बहराइच चलते हैं, गाजी का मेला गया, गाजी का मेला गया, गाजी का मेला गया। चलो बहराइच चलते हैं, गाजी का मेला गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही सुना। चलो बहराइच चलते हैं गाजी, सैयदे सालार मसूद गाजी सरकार का मेला आने वाला है आपके सामने जल्द ही, जिसका तारीख है 2 जून दिन इतवार सन 2024 में धूमधाम से हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार का बारात दीवाने लेकर आते हैं और बहुत ही खुशियों में झूम जाते हैं। दोस्तों अगर आप बहराइच शरीफ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के दरबार में आना चाहते हैं तो दोस्तों तारीख एक बार फिर सुने, 2 जून दिन इतवार सन 2024, 2 जून को बारात आएगी, मेला 30 तारीख से स्टार्ट है, चालू है। दोस्तों आपको बता दूं, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के आंगन में हर वक्त नूर बरसता है। अल्लाह के प्यारे नबी खिजर अलैहिस्सलाम हर 40 मिनट पर तशरीफ लाते हैं। वो ये वो दरबार है जहाँ पे फरिश्तों का झुरमुट होता है, वलियों का, हर वली हर इकराम, दुनिया का ऐसा कौन वली है जो आपके दरबार में ना आया हो, सारे वली आते जाते रहते हैं। ये वो दरबार है जहाँ हजरत मौला अली शेर खुदा के आल हैं, आप अली हजरत अली शेर खुदा के आल हैं। दोस्तों अली हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के बरह पुश्त हैं आप। दोस्तों हम और हमारी और आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आप हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के दरबार में पहुँचते हैं। अल्लाह के एक ऐसे वली जो इमाम हुसैन अली मकाम के चाहने वाले हैं, खानदान के हैं, हजरत अली के पुश्त हैं, लाल हैं, शेर हैं। दोस्तों नबी के दीवाने हैं, नबी के इश्क में आपने ये सर कटा दिया और शहादत पा लिया। दोस्तों इसी को सच्चा इश्क कहते हैं अल्लाह के। और दोस्तों आपको बता दूं, आप जब भी बहराइच शरीफ में आए तो बड़े अदब एहतराम से आए, अपने जान माल और ईमान की खुद हिफाजत करें। दोस्तों मैं बता दूं, आप जब भी बहराइच शरीफ आए तो दरगाह शरीफ के पिछले वाले गेट से पीछे जाएं, वहाँ से जाने के बाद आपको अनारकली तालाब मिलेगा, वहाँ पे नहाएं और अपने दुख तकलीफ बीमारियों से शिफा पाएं। दोस्तों यहाँ जो आता है वहाँ तालाब में जरूर नहाता है और नहाने के बाद शिफा पाता है। दोस्तों आप भी आएं तो अनारकली तालाब में जरूर आएं। और दोस्तों मैं बता दूँ, हर साल यहाँ अंधे आंखों से अंधे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो कोढ़ी होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और तमाम बीमार जो है वो भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के जब आप जंजीरी फाटक से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी दूर पर जाकर कदम रसूल है, जहाँ पे हम सब के आका हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम है, जहाँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कदम रखा है। दोस्तों बड़ी खुशनसीबी की बात है कि बहराइच सर जमीन बहराइच पर हम सब के आका हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ़ लाए और वहाँ पर कदम है। दोस्तों वहाँ आज के रसूल जाते हैं और अपना कदम चूमते हैं, बोसा लेते हैं, अपने दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिमाग को जगमगाते हैं। दोस्तों बड़ी खुशनसीबी है हमारी और आपकी जो उस दरबार में पहुँचे, कदम रसूल को चूमे, बड़ी ही भाग की बात है। दोस्तों ये वो जगह है
जहाँ पे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने कदम रखा है, कदम रसूल है। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी खुशनसीबी की बात है। और दोस्तों बहराइच के दरगाह के आसपास कौन ऐसा जगह है जहाँ शहीद ना हो, हर जगह शहीद है। और आंगन में आप जाएंगे आपको हजरत बरहाना शाह बाबा मिलेंगे, जहाँ पे लाठी छोटे छोटे डंडा बने होंगे। दोस्तों आप बाबा के सबसे ज्यादा करीबी थे। दोस्तों मैं बता दूं, आप वहाँ जाएं, वहाँ भी दुआ मांगे और अपने दिल को सुकून पहुँचाएं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब आपके नीच से आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भाई लोग तक पहुँच सके। दोस्तों बारात का तारीख एक बार फिर बता दें, बारात 2 जून को आएगी, दिन इतवार होगा, सन 2024 साल का तारीख होगा। और दोस्तों आप आए तो बहुत अदब एहतराम से आए, अपने जाल माल सामान का हिफाजत खुद करें, ईमान का हिफाजत करें, दूसरों को बचाएं और पाक साफ होकर आए, वजू से जाएं। और वहाँ पे आए तो नमाज जरूर पढ़ें और एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर किसी से गलती हुई तो लड़ाई झगड़ा ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।